हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सुहाना की रसोई हिंदी में। आज की रेसिपी है मटन सीख कबाब। ये बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पर इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। मैंने यहाँ पर दो तरीके से बनाना बताया है जिससे आपका भी सीख कबाब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन लिया है। इसको मैंने धोकर अच्छे से इस तरह से रख लिया है। यहाँ पर मैंने 4 बादाम लिए हैं, 4 काजू लिए हुए हैं मैंने यहाँ पर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 प्याज को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया, 4 चम्मच भुंजे हुए चने हैं यहाँ पर, आधा कप मैंने फ्रेश धनिया लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पर फ्रेश पुदीना लिया हुआ है, 4 हरी मिर्च ली है, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लूँगी। इसमें मैं डालूँगी भुंजे हुए चने, बादाम, काजू, हरी मिर्च, कटा हुआ फ्रेश धनिया, कटा हुआ फ्रेश पुदीना, इन सब को हम पीस लेते हैं। इस तरह से मैंने इसमें पीस लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई की हुई प्याज, इसको भी मैं पीस के तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको सब मटन में इस तरह से सारे मसाले पीसे हुए डाल देती हूँ। लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, चाट मसाला पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इस तरह से हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, इस तरह से थोड़ा सा लेकर कीमा मैं इसमें सीख में इस तरह से लगा देती हूँ। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप इसे पेंसिल से भी इस तरह से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे बनाकर आपको सीख से दिखाया है। अब मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाती हूँ। इसे हाथ से भी बहुत ही आसानी से इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने काफ़ी कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में तेल गरम किया। अब मैं इसमें इस तरह से कबाब रख देती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से मैंने सब रख दिया है। मैं इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। एक साइड से मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैंने इस तरह से पलट देती हूँ। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी पलट देते हैं। ये दोनों तरफ से मैंने गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं अच्छे से। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, मैंने ये निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मज़ेदार से सीख कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग भी इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब मैं इसमें धुआं लगाऊंगी। मैंने यहाँ कोयले को गर्म किया है। मैं इसमें आधा चम्मच घी डालूंगी और इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसे हटा देती हूँ 1 मिनट बाद। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही लाजवाब हमारे सीख कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग भी इसे रमज़ान में बनाकर इंजॉय करें और ये बहुत ही कम टाइम पर बन जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।